ग्लास स्किन, ये वर्ड करंट टाइम पर इंडिया में काफी फेमस टर्म बन गया है और ग्लोबली भी काफी हॉट टॉपिक है। बेसिकली स्किन टाइप है जो आपकी एडल्ट एज में भी बेबी फेस जैसा फील आपके फेस में देता है। तो ग्लास स्किन बेसिकली एक ऐसी स्किन होती है जो हाइड्रेटेड, प्लम्प और ग्लोइंग होती है। इसका फोकस फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन पर होता है जिसमें पोर्स मिनिमम दिखे और स्किन एकदम स्मूथ और शाइनी लगे। वैसे इसकी शुरुआत हुई थी साउथ कोरिया में, लेकिन ये आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि इसका जो रिजल्ट आपको मिलता है वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन उस इंसान को देता है जो इसको अचीव करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको अचीव करना आसान नहीं होता है, बिकॉज मल्टीपल टाइम स्किन केयर रूटीन और कुछ टिप्स और काफी सारे प्रिकॉशन होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे अगर आप ब्रेक करते हैं तो सब बेकार है। चाहे आप कितने स्किन रूटीन फॉलो कर लें, आप कितने महंगे प्रोडक्ट आप यूज कर लें या कितने प्रिकॉशन ले लें, और वो है कंसिस्टेंसी। यानी कि अगर आप सोचते हो कि ये रूटीन फॉलो करके, स्किन केयर करके अपनी स्किन को नेक्स्ट लेवल ले जाओगे, तो ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग इस चीज को बीच में ही छोड़ देते हैं कंसिस्टेंसी के लैगिंग के चलते। यानी कि हफ्ते 10 दिन में स्किन केयर रूटीन को इग्नोर कर देते हैं। रीजन उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, जैसे लेजीनेस, रिजल्ट ना मिलना और भी बहुत कुछ। तो आपको इस ग्लास स्किन को अगर अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव ग्लास स्किन। इसलिए अगर आप काफी सीरियस हैं ग्लास स्किन को पाने के लिए, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ रूटीन स्किन केयर फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं आपके स्किन केयर रूटीन में आपको क्या क्या प्रोडक्ट यूज करना है जो आपकी स्किन को डे बाय डे एक प्रॉपर ब्यूटीफुल ग्लास स्किन की तरफ ले जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ग्लास स्किन पाने का सबसे पहला स्टेप होता है आपका स्किन केयर रूटीन। आज मैं आपको एकदम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं स्किन केयर में वही बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा और बहुत ज्यादा कम नहीं बताऊंगा। जितनी भी चीजें यूज होनी चाहिए उतनी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिससे आप एक प्रॉपर ग्लास स्किन अचीव कर सकते हो। तो अगर आप ग्लास स्किन अचीव करना चाहते हो तो स्किन केयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके अंदर स्किन के प्रॉपर केयर करने तक स्किन की डेली प्रॉब्लम जैसे पिंपल, डस्ट, डार्क स्पॉट, सन रेज, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है ताकि आपकी स्किन एक प्रॉपर, एक हेल्थी और एक ग्लोइंग स्किन बन सके। तो अब जानते हैं वो स्किन केयर प्रोडक्ट जो आपके रूटीन में आपको ऐड करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जो स्किन केयर रूटीन में बताऊंगा उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको प्रोडक्ट भी रिकमेंड करूंगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि सिर्फ प्रोडक्ट मैं आपको सेल करने के लिए प्रमोट कर रहा हूं इस वीडियो में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को बस पूरा देख लेना, उसके ऊपर आपकी मर्जी, आप किसी भी ब्रांड का कहीं से भी उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। बस इस वीडियो में आपको एज अ रिकमेंडेशन जरूर प्रोडक्ट मेंशन करूंगा ताकि जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो प्रोडक्ट खरीद सके। तो चलिए अब बात करते हैं स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले आपको क्या चीज फॉलो करनी पड़ती है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्लींजिंग, सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग या फेस वॉश करना। बेसिकली ये सबसे स्टार्टिंग का स्टेप होता है, जो कि आपके फेस पे डर्ट होती है उसको साफ करने के लिए। इसमें आप पहले ऑयल बेस्ड क्लींजर या अपने फेस वॉश के थ्रू अपने फेस का मेकअप या फिर अपने फेस पे जो डर्ट होता है उसको साफ कर देते हो ताकि अंदर से वो डीप क्लीन हो जाए। ये स्टेप आपकी स्किन को डीपली क्लींज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप कहीं बाहर से आते हो तो डर्ट, सन रेस, जिसकी वजह से आपको टैन भी हो जाता है, तो क्लींजर या फेस वॉश की मदद से आप उसे डीपली रिमूव कर सकते हो। क्योंकि जब तक स्किन डीप क्लीन नहीं होगी तो उसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट लगाने से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब बहुत सारे क्लींजर मार्केट में अवेलेबल है जो आप लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेरावी, सेटाफिल, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिनके फेस वॉश क्लींजर आप यूज करके बहुत अच्छे से अपनी स्किन को डीप क्लीन कर सकते हो। तो क्लींजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क और फर्स्ट टास्क होता है आपकी स्किन के रूटीन का, जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो क्लींजर सबसे पहले यूज करना होता है। एक्सफोलिएशन यानी कि स्क्रब। अब नेक्स्ट स्टेप है एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग। बेसिकली एक स्क्रब होता है जो कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। इसको आप एक तरीके से क्लींजिंग के बाद का प्रोसेस समझ सकते हैं, जो डेड सेल को साफ करता है। लेकिन ध्यान रहे, ओवर एक्सफोलिएशन से भी आपको बचना है। हर वीक में सिर्फ आपको एक से दो बार स्क्रब करना काफी है, क्योंकि ज्यादा स्क्रबिंग करने से रैशिंग और पोर्स का ओपन होने का डर भी रहता है। इसलिए आप यूज कर सकते हैं डव की तरफ से आने वाला एक्सफोलिएशन बॉडी स्क्रब या फिर एवर यूथ का वॉलनट स्क्रब, जो कि काफी पॉपुलर है और हर एक दुकान पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्क्रबिंग आपके जो पोर्स होते हैं उनमें डीपली क्लीन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इसको वीक में दो ही बार करना है, और जिस दिन आप इसको नहीं करोगे उस दिन आप नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज करोगे, जो कि मैं अब बता रहा हूं, और वो है टोनर। अब आता है टोनर का स्टेप। टोनर आपके पोर्स को टाइट करता है, आप स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइजर भी बनाता है। स्पेशली सेंसिटिव पर्सन के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो टोनर आपकी स्किन केयर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, क्योंकि क्लींजिंग के बाद टोनर आपकी स्किन को हील और ग्लोइंग बनाने का काम करता है। टोनर के लिए आप यूज कर सकते हो की लेयर फेशियल टोनर, लेकिन इसके बारे में इतना लोग जानते नहीं है। साथ ही साथ ये आता है कोरियन कॉम्प्लेक्स के साथ, जो कि आपकी स्किन को प्रोवाइड कराता है एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स
इफेक्ट्स आपकी स्किन के लिए। नेक्स्ट स्टेप है सीरम। तो सीरम तो आप जरूर यूज करते होंगे क्योंकि हर तरीके की सीरम मार्केट में अवेलेबल है, फिर चाहे वो आपकी प्रॉब्लम जैसे कि पिंपल, एक्ने, ऑयली स्किन या फिर आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए हो जैसे कि विटामिन सी। तो यहाँ पे आपको ग्लास स्किन अचीव करनी है तो आप विटामिन सी और कोई हाइलुरोनिक एसिड वाले कॉम्प्लेक्स का सीरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीरम आपकी स्किन के कंसर्न को टारगेट करता है डायरेक्टली और आपकी स्किन के जो इंटरनल टिश्यू होते हैं ये इन पे डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। तो सीरम एक बहुत बढ़िया और एक बहुत प्लस पॉइंट होता है आपकी स्किन के रूटीन का, जैसे कि अगर आपको पिगमेंटेशन, डलनेस या फाइन लाइंस है सीरम उनको भी खत्म करता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक एडल्ट एज में है। तो यहाँ पे सीरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्किन के रूटीन के स्टेप्स में और आपकी स्किन को एक पल्पी फील और सॉफ्ट फील देता है। तो इसलिए आप यूज कर सकते हैं कोई भी विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड का सीरम जो कि बेस्ट हो। वैसे मार्केट में बहुत सारे सीरम है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डर्मा को विटामिन सी फेस सीरम यूज कर सकते हैं जो कि अभी बेस्ट सेलिंग में है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीरम है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अपने डॉक्टर से या अपने फ्रेंड, फैमिली सर्कल, किसी से भी पूछ। नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर। अब हाइड्रेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी ग्लास स्किन को अचीव करने के लिए और एक अच्छा मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को सॉफ्ट और प्लम्प बनाने में काफी हेल्प करता है। तो मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को पूरे दिन प्रोटेक्ट रखता है और साथ ही नमी बनाए रखने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है ताकि स्किन सॉफ्ट बनी रहे और ये हेल्प करेगा स्किन को हेल्थियर और ग्लोइंग बनाने में। स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि मॉइस्चराइजर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी स्किन के रूटीन के स्टेप्स का, तो इसको भी आपको फॉलो करना ही करना है। और यहाँ पे सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है आपके स्किन केयर रूटीन का। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मॉइस्चराइजर है आप यूज कर सकते हैं मार्केट में इस समय सेटाफिल मॉइस्चराइजर जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है जिसका रिजल्ट आपने देखा है उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है अपना सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो कि फील्ड पर्सन है, जॉब पर्सन है, जिनको बाहर जाना ही पड़ता है। तो फाइनली आपको सनस्क्रीन को बिल्कुल नहीं भूलना है, ये आपकी स्किन को सन डैमेज से तो बचाता ही है, एक लेयर की तरह ही काम करता है आपकी स्किन के लिए और इसको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। ये आपका लास्ट स्टेप होता है आपके रूटीन में लेकिन बहुत मैटर करता है। और सनस्क्रीन भी आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया कंपनियां मार्केट में मिल जाएंगी। तो ये सब चीजें हैं जो काफी हेल्प करेंगी स्किन को डीपली सॉफ्ट क्लीन बनाने में। अगर आप अपने रूटीन में ये चीजें फॉलो करते हैं तो आप एक परफेक्ट ग्लास स्किन पा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये सब करने के बाद भी आपको वेट करना है एटलीस्ट एक महीने का मिनिमम। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर कोई भी इशू है तो आप डीएम टू डीएम मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस पीरियड के अराउंड जब आप अपनी ग्लास स्किन को अचीव कर रहे हो। तो वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 3-step 5-step रूटीन फॉलो करते हैं लेकिन हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो नहीं करती। उसके पीछे का एक बहुत मेजर फैक्टर ये होता है कि आपकी जो डाइट है वो हेल्थी नहीं है। आप बेशक स्किन के रूटीन फॉलो करते हो लेकिन क्या पता आपकी जो डाइट है वो हेल्थी ना हो, आप जो है बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हो, बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, इसके कारण आपकी स्किन में इतना ज्यादा इनहेंसमेंट नहीं आता। तो आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए, इसमें ज्यादातर आप फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए। तो अगर अच्छी डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन, आपकी बॉडी का आयरन सब कुछ बढ़ेगा जिससे आपकी स्किन काफी जल्दी ग्लोइंग बनेगी। सेकंड टिप है अगर आप एक फेस रोलर भी यूज करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आजकल बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो फेस रोलर यूज करती है जिससे आपकी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है और साथ ही साथ जब आपके जो चीक्स होते हैं सुबह उठने के बाद जो उसमें पफिनेस आती है वो रिड्यूस करता है। फेस रोलर एक बहुत अच्छा टूल होता है जिससे आप अपनी स्किन का और फेस का शेप बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस है, अगर आप चाहो तो इसे कंसिडर कर सकते हो। और ये है लास्ट टिप जो कि है प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि अगर आप पानी बहुत कम पीते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी स्किन उस लेवल पे ग्लो नहीं कर पाती, क्योंकि आप कितने ही प्रोडक्ट यूज कर लो कहीं ना कहीं वो काम करते हैं बाहर की स्किन के थ्रू, लेकिन अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं तो आपकी स्किन इंटरनली डिटॉक्स होती है और जो गंदगी होती है वो अपने आप खत्म होती चली जाती है पसीनों के थ्रू, और भी जो गंदगी होती है वो टॉयलेट के थ्रू निकल जाती है, पसीनों के थ्रू निकल जाती है। तो पानी आप बहुत ज्यादा पीजिए, इतना भी नहीं लेकिन हाँ इतना पीजिए कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो कर पाए। अगर आप दिन में 10 ग्लास भी पानी पी लोगे पूरे दिन में तो भी एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको महीने भर में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ और टिप्स थी जिनसे आप अपनी स्किन को जल्दी अचीव कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स थी जिनको आप फॉलो करके जल्दी से अपनी स्किन को ग्लास स्किन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू अचीव ग्लास स्किन। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, आपके एक एक कमेंट का मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ऑल नोटिफिकेशन को टैप जरूर करके रखना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।